We're starting up with the idea of evaporation today. ठीक है, evaporation का topic आज हम मुकम्मल कर लेंगे. देखिए, evaporation क्या process होता है, इस चीज को थोड़ा सा analyze करते हैं. अगर हम define करें evaporation को, evaporation is defined as असल में होता क्या है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने लिखी है यहाँ पे. हमारे पास, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और मैं उसमें बोलता हूँ कि मेरे पास उस ग्लास ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर आ रहा है वो लेट्स से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है. ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये नहीं होता कि उस पूरे लिक्विड का टेम्परेचर एक एक जगह पे एक एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 30 डिग्री. मैंने उस वक्त आपको शुरू में जब हम ये हीट पढ़ रहे थे, ये टेम्परेचर पढ़ रहे थे, तो मैंने ये बात बताई थी कि हम ये जो 30 कह रहे होते हैं या 35 कह रहे होते हैं, ये एवरेज टेम्परेचर होगा कि भाई ऑन एवरेज टेम्परेचर 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड है. क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 30 से ज्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 30 से कम है. से ये मॉलिक्यूल में वेरिएशन होती है, और इसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर मूव कर रहे होते हैं ना, तो वे एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, और इस कोलिजन के दौरान वो अपनी एनर्जी अगले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करते रहते हैं. तो कभी ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल किसी बहुत एनर्जेटिक मॉलिक्यूल से टकरा जाता है, या तीन चार मॉलिक्यूल से एक साथ कोलिजन हो जाती है, तो उन तीन चार मॉलिक्यूल से उसके पास एकदम से एनर्जी आ जाती है, जिससे क्या होता है उसका एनर्जी कंटेंट बढ़ जाता है, और उसकी एवरेज एनर्जी की वैल्यू या उसकी अपनी एनर्जी की वैल्यू बाकी मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है. तो अगर बाकी सब्सटेंसेस जो हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे, तो इनका टेम्परेचर, इस मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर होगा वो 30 से ऊपर चला जाएगा, वो चला जाएगा 50, 70, 80 तक चला जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारे मॉलिक्यूल से कोलिजन करके अपने अंदर एनर्जी ले ली. और ये एक रैंडम प्रोसेस है, आप इसको ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल होगा इसके पास एनर्जी ज्यादा. लेकिन एक चीज से थोड़ा अंदाजा हो पाता है, क्योंकि हमने लिक्विड्स के मामले में कन्वेंशन करंट पढ़ा था. जब एक कन्वेक्शन करंट में ये होता है कि जो वार्मर लिक्विड होता है वो लेस डेंस होकर ऊपर आ जाता है, तो वो मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, तो लिक्विड थोड़ा सा कंपैरेटिवली वार्म होगा. एवरेज तो 30 है टेम्परेचर लिक्विड का, लेकिन वो मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, वो लिक्विड जो है वो मिलकर एक ऐसा लिक्विड बना रहे होंगे जो थोड़ा सा वार्म होगा, तो वो एग्जिस्ट जो करेंगे वो ज्यादातर सरफेस ऑफ द लिक्विड के आसपास एग्जिस्ट करेंगे. बीइंग लेस डेंस वो लिक्विड राइज कर जाता है ना, हमने कन्वेक्शन करंट में बात पढ़ी थी. तो इवेपोरेशन में ये होता है कि ये जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनका एनर्जी लेवल बाकियों से ज्यादा होता है, ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस से एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर के. और वो ये क्यों करते हैं, वो ये इसलिए करते हैं, इमेजिन करें कि मेरे पास यहां पे एक मेरे पास यहां पे मिसाल के तौर पे ये कंटेनर था, लिक्विड मौजूद था. ठीक है, इस लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, मैं कुछ बना रहा हूं यहां पे. मुझे ये पता है कि भाई वाटर को बॉयल होने के लिए, ये वाटर है, वाटर को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है. 100 डिग्री से पहले वाटर बॉयल नहीं होने वाला. सही, और ये जो लिक्विड है मेरे पास, इसका टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर वो 40 है. सही, मेरा फोकस यहाँ पे एवरेज पे ज्यादा है. एवरेज टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. एवरेज 40 होने का मतलब ये होता है कि भाई कुछ सब्सटेंसेस का टेम्परेचर 40 से ज्यादा भी होगा मॉलिक्यूल का, कुछ का मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 40 से कम भी होगा. तो अगर मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बना दूं समझाने के लिए,
ये आपके पास मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके पास है टेम्परेचर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिसको जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। इस तरह अगर आपके पास सब्सटेंस का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो इसका मतलब मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स जो है वो 40 पे होंगे। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगे, लेकिन खाली 40 पे नहीं होंगे, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनका टेम्परेचर 30 या 20 डिग्री पे होगा या कह लो कि 10 डिग्री पे भी होगा। ये लोअर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल कम है इनका। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा कि भाई 90 डिग्री सेंटीग्रेड वाले भी कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं, उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू आप कंसिडर करें उसमें, क्वांटिटी काफी कम होती है। तो मसला ये होता है कि भाई सब्सटेंस को बॉयल होने के लिए तो 100 डिग्री चाहिए, तो ये वाले जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना इनका सबसे कम चांस है बाहर निकलने का, क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं है अभी, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये जो 90 वाले मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोज टू बॉइलिंग पॉइंट, दीज मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू बॉइलिंग पॉइंट, दे जस्ट नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोर एनर्जी and they'll have enough to escape the liquid into atmosphere. See, उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो escape कर जाए atmosphere. जो evaporate करते हैं ना बेटा वो ये वाले molecule करते, the more energetic molecule, जिनका एनर्जी लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, सही, क्वांटिटी में कम थे लेकिन एनर्जी लेवल ज्यादा था, उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी जो कि वो सराउंडिंग से गेन कर ले, सही, जो उनकी रिमेनिंग एनर्जी कह लो कि जो उनकी रिक्वायर्ड है, सही है, रिक्वायर्ड एनर्जी गेन फ्रॉम सराउंडिंग। और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो एस्केप करके एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएं। बिल्कुल टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग एनर्जी से लगाई जा सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स के पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, सही, टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग एनर्जी से बिल्कुल लगा सकते हो। तो द मॉलिक्यूल्स विच आर एट अ हायर टेम्परेचर और द मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर एनर्जी, they're more capable enough to escape into the atmosphere. So what they do, they take energy from the surrounding, say, and they become enough, capable enough to escape from the liquid out into the surface. And this phenomenon called evaporation बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त boiling point नहीं आया, आपका substance 40 degree पे है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यार इसमें तो evaporation हो रही है, molecules निकल के जा रहे हैं, उसको boiling नहीं बोल सकते हम, boiling में तो पूरा substance जो है वो boiling point पे पहुंचा हुआ होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी रखे हुए होते हैं, आपने स्टोव जलाया हुआ होता है नीचे या हीटर लगाया हुआ होता है, आप एक्स्ट्रा एनर्जी सही कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे होते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, उसको तो सब्सटेंस ही 100 डिग्री पे होता है, यहाँ पे सब्सटेंस 100 पे नहीं था, यहाँ तो सब्सटेंस 40 पे था, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो ये बॉइलिंग से मुख्तलिफ बात है, ये इवेपोरेशन है, योर सब्सटेंस इज नॉट एट 100 बट स्टिल द वाटर इज इवेपोरेटिंग, या your substance is not at boiling point but still the molecules are leaving the liquid and going into the atmosphere, so that is something that happens during evaporation. Bilkul, any substance, any liquid, agar koi bhi substance liquid ho
सॉलिड लिक्विड बन गया, सही है, तो इवेपोरेशन होगी, सही। बस ये है, अभी हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिससे इवेपोरेशन को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इवेपोरेशन इज गोइंग टू हैपन। नहीं अरीब, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ इट्स लोअर देन एनवायरनमेंट से तभी इवेपोरेशन हो। इवेपोरेशन में सराउंडिंग से तो एनर्जी मिलती ही मिलती है, लेकिन अभी मैंने एक बात डिस्कस की थी आपके साथ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपस में, वो भी कॉलिजन के थ्रू अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट द सराउंडिंग, सराउंडिंग एक मेजर सोर्स बन जाती है, सराउंडिंग एक मेजर सोर्स बन जाती है, एयर मॉलिक्यूल्स एक मेजर सोर्स बन जाते हैं, सही है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट द सराउंडिंग, आपके अपने मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने का काम कर रहे होते हैं, कॉलिजन्स के थ्रू वो एनर्जी उसको दे रहे होते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई हायर से लोअर आता है टेम्परेचर तो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है, लेकिन कॉलिजन के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर है वो भी पॉसिबल होती है। अब हम कुछ बातें देखेंगे कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क क्या है, क्योंकि बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होती है, इवेपोरेशन के अंदर भी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होती है। सभी हाँ मेरे बच्चे, दो मिनट रुक जाओ, ये सवालात के जवाब मैं सारे दूंगा, सारे जवाब मिलेंगे, टेंशन नहीं लो। ये सवाल का जवाब अभी यहीं पे लिखिए, नीचे हेडिंग डली हुई है इस चीज की, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो इफ यू आर लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन, थोड़ा सा पीछे कर दें, ये देखना है क्या, स्नैपशॉट लेना है। नोट डाउन कर लो, वैसे ही पीडीएफ मिलेगा, परेशान ना, आराम से नोट डाउन कर लेना उसको। बेचारा था कैसे मैं ये आज मुकम्मल करवा दूं ना, वरना ये नेक्स्ट वीक पे चली जाएगी। तो डिफरेंसेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस बॉइलिंग और एवेपोरेशन में ये है कि बॉइलिंग होते हुए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होती है बॉइलिंग, एवेपोरेशन का कोई एवेपोरेशन पॉइंट नहीं होता, सही है। एवेपोरेशन किसी पे टेम्परेचर पे हो जाती है, गिवन दैट सब्सटेंस लिक्विड हो, अगर सब्सटेंस लिक्विड है एवेपोरेशन इज गोइंग टू हैपन, सब्सटेंस इज नॉट अ लिक्विड देन ऑब्वियसली एवेपोरेशन कैन नॉट हैपन। द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी हैव इज बॉइलिंग, अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, इसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन में आप कहते हैं कि इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि भाई ये इवेपोरेशन पॉइंट आ गया, 40, 50, 100 तो खैर बॉइलिंग है, सही। अगर वाटर की एग्जांपल दें तो 1 डिग्री से लेके 99 डिग्री तक एवेपोरेशन होगा, सही। 0 पर तो खैर वो मेल्ट हो रहा होगा तो उस वक्त तो खैर नहीं कहेंगे हम, लेकिन 1 डिग्री से लेके 99 डिग्री तक आपको एवेपोरेशन मिली। बस ये है कि कभी कम हो रही होगी, कभी ज्यादा हो रही होगी, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। फिर दूसरा डिफरेंस बॉइलिंग और एवेपोरेशन में ये है, बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, जबकि इवेपोरेशन में कोई बबल नहीं बनता। ठीक है, बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, इवेपोरेशन में कोई भी बबल नहीं बन पा रहा। अब मुझे कोई बता सकता है बॉइलिंग में जो बबल बनते हैं उस बबल में होता क्या है?
हाँ बिल्कुल, बबल के अंदर क्या होता है, जो बॉइलिंग में बबल्स बन रहे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक जवाब तो आया खैर मेरे पास, तो दूसरा जवाब भी आ गया। ठीक है ठीक है, जहन आपका जवाब मुझे मिल गया। हाइड्रोजन बहुत जबरदस्त चीज बताई है खैर किसी ने। हाँ भाई, और किसी के जहन में कुछ आइडिया, व्हाट्स इनसाइड द बबल when bubbles are being formed during boiling, hota kya? Noises? Are inside the bubble, awaazein kahan se aayengi? Acha, new idea likh rahe the, main samjha tha noises, maine kya ho gaya unhein ko? Aisi baatein kar raha hai, bubble ke andar awaazein kahan se aayengi? Theek hai. Bubble ke andar steam hoti hai. Bubble banta isliye hai, sahi hai? Bubble banta is wajah se hai, kyunki बॉइलिंग का प्रोसेस वॉल्यूमेट्रिक है, पूरे लिक्विड के अंदर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो जब वो कहीं बीच में कन्वर्ट हो जाता है ना पानी स्टीम के अंदर, तो वहां पे बबल बन जाता है सरफेस, और वो स्टीम क्योंकि लेस डेंस होती है इसलिए बबल वो राइज करता हुआ सरफेस तक आ जाता है। इवेपोरेशन में बबल इसलिए नहीं बनता क्योंकि इवेपोरेशन वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना नहीं है, इवेपोरेशन सरफेस का फिनोमेना, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है। मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स वो है जो सरफेस पे मौजूद है, वो सरफेस से निकल के जाते हैं, ये नहीं होता कि बिल्कुल बेस से कोई मॉलिक्यूल निकलता है आ रहा है स्पेस और वो लिक्विड के सरफेस से निकलता हुआ जाएगा। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एकदम से पानी के अंदर ही इवेपोरेट हो गए और वो स्टीम बन गए और वो फिर निकलते वो ऊपर जा रहे हैं, नॉट इन गोना हैपन, सही। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके पास बॉइलिंग इज अ वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना, वॉल्यूमेट्रिक मतलब पूरे लिक्विड के अंदर एक साथ होता है, सही, जबकि जो इवेपोरेशन है इट्स अ सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग इज अ वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना, इसका मतलब है हैपेंस थ्रू आउट लिक्विड, जबकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना। सी दैट इज हैपेंस एट सरफेस, सिर्फ सरफेस पे होता है, इसीलिए बबल बन जाता है बॉइलिंग के अंदर, लेकिन इवेपोरेशन का बबल नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा होता। के अलावा बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक डिफरेंस ही होता है कि बॉइलिंग से कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आता, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, अभी हम पढ़ेंगे क्यों। मतलब अगर पानी हाथ पे पड़ा और बॉयल हो रहा हो ना तो ठंडा नहीं लगेगा आपको, तो ये बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, सही। और फिफ्थ में बॉइलिंग के लिए हीट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स, कोई प्रॉपर आपको हीटिंग सोर्स लगानी पड़ती है आपको, it is provided from a specific source, jabki evaporation mein your heat is gained from the surrounding, generally heat surrounding se mil rahi hoti hai, boiling karne ke liye aapko koi stove, koi heater aur is tarah ki cheeze jo hai wo aapko affect hoti hai।
बेटा पॉइंट फोर मैंने अभी कहा फातिमा कहा तो है, अभी मैं नीचे बताऊंगा कि एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, इसको मैंने अभी कहा तो है कि नीचे बताऊंगा। मुझे लगा था स्टीम अरे बिकॉज इट टेक्स इंटरनल एनर्जी टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर। एग्जैक्टली अब बात है कि भाई जैसे अभी हमने कहा इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, अब हमें एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई हाउ इन द वर्ल्ड डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ऐसा क्या होता है कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है। असल में सिचुएशन ये होती है, इसको मैं एक एनालॉजी के थ्रू समझाता हूँ। पहले एनालॉजी हमारे पास ये है कि लेट्स से कि आप जो हैं वो एक हमारी एक क्लासरूम में सही, हमारा एक क्लासरूम है, लेट्स से इन दिस क्लासरूम वी हैव लाइक 27 स्टूडेंट्स 26 स्टूडेंट्स सही। तो आउट ऑफ दिस 26 स्टूडेंट्स मैंने बोला कि भाई चलो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं आप लोगों का। आप लोगों का मैंने टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, आई गिव यू अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स सही। सब ने अटेम्प्ट किया और सबके स्कोर आए सही। तो सबके जो स्कोर आए उसमें भाई किसी ने 10 में से 9 स्कोर किया, 10 में से 10 किया, 10 में से 8 किया, कुछ बच्चों के 5-4 के अराउंड भी आएंगे, कुछ बच्चे शायद 0-1-2 वाले भी हो जाएं। तो लेट्स से कि अभी हमारे पास सारे अच्छे अच्छे बच्चे थे मेजॉरिटी, हमारा जो स्कोर आया उससे मेरे क्लास टीचर ने मेरे जो है प्रिंसिपल ने पूछा कि सर बताइए कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही टेस्ट में। अब मैं उनको 25 या 26 बच्चों के मार्क्स बताने नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा सर क्लास का जो एवरेज स्कोर था ना वो 7 था, क्लास का एवरेज स्कोर 7 था। तो बोलेंगे अच्छा यार जबरदस्त, मतलब ज्यादातर बच्चों ने हाई स्कोर किया। मतलब यस सर, ज्यादातर बच्चों ने हाई स्कोर किया, क्लास का एवरेज स्कोर 7 गया। मैं एक और टेस्ट लेता हूँ, इस टेस्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई जिन बच्चों का 7 से ऊपर का स्कोर था वो टेस्ट नहीं देंगे, जिन बच्चे जो हाई स्कोरर बच्चे थे वो टेस्ट नहीं देंगे, उनको एग्जेम्पशन है, जाओ लोग खेलो जाके सही। वो निकल गए। अब बचे रह गए पीछे कुछ बच्चे जिनका स्कोर 7 से नीचे था, मैंने उनको दोबारा टेस्ट दिया, उसी डिफिकल्टी लेवल का टेस्ट, उतना ही मार्क्स का टेस्ट सही है। अब क्या होगा, अब जो स्कोर आएगा मेरे पास उसका एवरेज 7 नहीं होगा, क्योंकि जो अच्छे बच्चे थे जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स थे जिनकी वजह से एवरेज स्कोर ऊपर गया हुआ था उन्होंने तो टेस्ट ही नहीं दिया, वो तो जा चुके। टेस्ट देने वाले बैक में वो बच्चे रह गए जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया। तो अब नतीजा ये हुआ कि अब जब टेस्ट का मेरे सामने स्कोर आएगा और प्रिंसिपल आके मुझसे पूछेगा कि कृष्ण साहब कैसा स्कोर रहा स्टूडेंट्स का, सर एवरेज 4 आया इस बार। क्या बात है, 4 लास्ट टाइम तो 7 का एवरेज था, एवरेज 4 कैसे हो गया, गिर कैसे गया एवरेज, एवरेज स्कोर कैसे कम हुआ। बोलूंगा सर मसला ये है, लास्ट टाइम बच्चे जो थे ना अच्छे खासे बच्चे थे, 27-26 स्टूडेंट्स थे, उसमें अच्छे पढ़ने वाले भी थे। तो इस बार मैंने ये किया, मैंने अच्छे पढ़ने वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया, मैंने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, बेटा तुम लोग जाओ खेलो। तो जब बच्चे चले गए पढ़ने वाले, सारे बच्चे खेलने कूदने चले गए, पीछे वो बच्चे रह गए जो मतलब इतने ज्यादा हाई स्कोर पर नहीं थे, उनको टेस्ट मुश्किल लगा था, जैसे जो एवरेज है वो गिर गया। बोलेंगे अच्छा तो ये सीन है, आपने अच्छे वाले बच्चों का टेस्ट नहीं लिया, आपने जो एवरेज बताया है वो उन बच्चों का है जिनका स्कोर कम आया था। तो नल्ले बच्चों का भी दिल है, मैं ये कब बोल रहा हूँ नल्ले बच्चों का दिल नहीं है, अभी तो दोबारा उनका टेस्ट लिया था कि वो इम्प्रूव करें। अब ये चीज बताने का मकसद ये था कि जो एवरेज एस्टैब्लिश होता है ना उसमें लो स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग, मीडियम स्कोरिंग सबका रोल प्ले होता है। तो अगर मैं हाई स्कोरर्स को अलग कर दूं सही है और उसके बाद मैं एवरेज निकालूं तो मेरा एवरेज गिर जाएगा, और अगर मैं लो स्कोरर्स को अलग कर दूं, मतलब अगर मैं ये करता कि मैं सारे लो स्कोरिंग बच्चों को जिन्होंने 1-2-3 स्कोर किया था मैं बोलता भाई भाग जहां से कट ले फटाफट, तेरी वजह से मेरी नाक कट रही है प्रिंसिपल के सामने सही है। तो अगर मैं उनको भगा देता और अब टेस्ट देता वो स्कोर देखते हुए 9 का स्कोर आ रहा है, यार सर आपकी क्लास में तो बच्चे जबरदस्त। सर बस क्या बात है सर, क्या बोलूं बस मैं आपको।
उनको थोड़ी पता कि जिन बच्चों को लो स्कोर था मैंने उनका टेस्ट ही नहीं लिया, मैंने बोला बेटा तुम लोग जाओ शराब से खेलोगे तो, अच्छे अच्छे बच्चों का टेस्ट लिया, एवरेज हाई आया, मैंने दिखा दिया उनको, प्रिंसिपल भी खुश, बच्चे भी खुश। तो यहाँ पे हमने ट्यूरन भेज दिया उनको। अब बात सारी ये है, कुछ ऐसा ही मामला बेटा इवेपोरेशन में होगा। इवेपोरेशन में आप अपने आप को समझोगे तुम लोग वो मॉलिक्यूल्स हो लिक्विड के जो सब्सटेंस में मौजूद हैं, उनमें से कुछ हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इवेपोरेशन के दौरान हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड में से निकल के चले गए बाहर, पीछे छोड़ गए वो मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी लेवल था कम। जब उनका एनर्जी लेवल कम था तो पूरे लिक्विड का ओवरऑल एनर्जी कंटेंट गिर गया, इट फेल डाउन। तो जो एवरेज टेम्परेचर बन रहा था पहले ज्यादा था क्योंकि हाई स्कोरिंग हाई एनर्जी लेवल वाले मॉलिक्यूल्स ही मौजूद थे, अब क्या हुआ एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, ओवरऑल एनर्जी लेवल ऑफ द लिक्विड, ओवरऑल एनर्जी कंटेंट ऑफ द लिक्विड, इट विल फॉल एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीज, लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हम कहेंगे भाई कूलिंग हो गई है। तो यहाँ तो लिक्विड जा मॉलिक्यूल्स जा भी रहे हैं और कूलिंग भी हो रही है, लिक्विड ठंडा भी होता जा रहा है। यही रीजन है कि जब हम स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। ये गर्मियों में हमें बोला जाता है हाथ मुंह धो लो या सर पे थोड़ा पानी डाल लो या गीला कपड़ा अपने सर के ऊपर रख लो, वो इसलिए बोला जाता है ताकि जब इवेपोरेशन होगी तो लिक्विड ठंडा होगा और हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ये साइंस है कूलिंग के बिहाइंड, व्हाई डज द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। Exactly. तो जब हम इसके डिफाइन करते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई कि एज मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एज मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एस्केप from the surface of liquid, they leave behind less energetic molecules. Hence, the overall इंटरनल लिखना चाहो लिख सकते हो, एनर्जी कंटेंट ऑफ द लिक्विड फॉल्स एंड कूलिंग अकर्स। एग्जाम्पल ये थी कि जब आप स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो नतीजा ये होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो वाटर मौजूद होता है। अब ये वाटर क्या करता है कि ये एनवायरनमेंट से और आपकी बॉडी से हीट एनर्जी गेन करता है और इसके मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स इस वाटर के सरफेस हमारे बॉडी के सरफेस से निकल के चले जाते हैं। पीछे जो पानी रह जाता है हमारी बॉडी के ऊपर वो उन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है जिनका एनर्जी कंटेंट कम था, जिनमें एनर्जी कम थी। लिहाजा क्या हुआ कि वो जो पानी हमारी बॉडी को बाकी रह गया वो पानी ठंडा पानी बन गया, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर था वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कंटेंट की वजह से था ना। अब जब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कंटेंट जो है वो गिर गया तो नतीजा क्या हुआ, आपके पास पीछे जो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर था या लिक्विड का टेम्परेचर था वो कम हो गया। अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा ठंडा पानी मौजूद और हमें एक कूलिंग इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता, जैसे कि ठंडा पानी आपके हाथ पे डाल दिया था। मैं ये स्विमिंग पूल वाली बात यहां पे लिख देता हूं।
कोल्ड, इस वजह से हमें ठंडा लगता है क्योंकि वो पानी ठंडा हो चुका होता है। Yes, they are leaving the surface of our body. क्योंकि हमारे अगर मिसाल के तौर पर this is our hand, सही है, तो इसके ऊपर एक लेयर होगी ना वाटर मॉलिक्यूल्स की। अगर ऐसे देखें हम तो हमारे पास ये वाटर की एक लेयर होगी यहाँ पे, सही। तो पूल के अंदर से निकलने के बाद इस वाटर की लेयर में से जो एनर्जी, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। और जो पीछे रह जाएंगे वो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। मौसम टेम्परेचर का, लिक्विड का एनर्जी कंटेंट का अंदाजा टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर गिरता है तो उससे आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हो कि इसका एनर्जी कंटेंट क्या है। अलग से जूल्स के अंदर मेजर करने के लिए Q equal mc delta T या MLF का फॉर्मूला जो अप्लाई किया जाता है, लेकिन वो अभी आपकी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। एग्जैक्टली, परफ्यूम के अंदर तो बल्कि आपके पास डी नेचर्ड अल्कोहल होता है ना, वो वाटर से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, वो बहुत तेजी से इवेपोरेट करता है, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो कूलिंग इफेक्ट है वो आपको मिलता है। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब कितने तेजी से लिक्विड इवेपोरेट करेगा, कितने तेजी से मॉलिक्यूल सरफेस में से लीव करते हुए जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो आपके पास मोर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे थे, सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, सब्सटेंस का भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, सराउंडिंग का भी बढ़ा सकते हैं, दोनों से ही इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। क्योंकि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलने का चांस ज्यादा हो जाएगा, और अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर मिलेगा बढ़ेगा तब तो लाजमी बात है मॉलिक्यूल्स के पास है ही ज्यादा एनर्जी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इवेपोरेशन बढ़ती है, क्योंकि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी जो कि वो लिक्विड को लीव करके जा सके, सही। जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो हम एनर्जी कंटेंट कम कर देते हैं, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं हम उसका एनर्जी कंटेंट बढ़ाते हैं। जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं मिसाल देता हूँ, सिर्फ 1000 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके अंदर इवेपोरेट करने की सलाहियत थी, जो 95-100 के नजदीक थे। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 40 से बढ़ा के 60 कर दूं, तो अब मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, अब हो सकता है मेरे पास 1500 या 1800 मॉलिक्यूल्स ऐसे हों जिनके पास इस बात की एबिलिटी है कि वो 90-95-100 के नजदीक हैं और वो इवेपोरेट कर सकते। तो यहाँ पे दे विल बी मोर मॉलिक्यूल्स विल नाउ हैव इनफ एनर्जी escape from the surface of liquid. See, इसलिए rate of evaporation बढ़ जाएगा। Pressure का उल्टा मामला होता है। Pressure हम बात कर रहे हैं यहाँ पे atmospheric या external pressure की।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने से रोकता है, एटमॉस्फेयर में आने से रोकता है। कि अगर ये लिक्विड का कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड मौजूद है, सही है, मॉलिक्यूल तो यूं जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर उसको बाहर निकलने से रोक रहा है। अब अगर जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की बाहर निकलने की रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। पहले तो बाहर से कम पुश मिल रहा था, सही, तो मिसाल के तौर पे वो कम एनर्जी से भी निकल सकते थे लेकिन अब बाहर से ज्यादा पुश मिलना शुरू हो गया। मॉलिक्यूल्स बाहर से ज्यादा उस पर फोर्स लगा रहे हैं लिक्विड के ऊपर, मॉलिक्यूल को बाहर नहीं निकलने दे, तो अब आपके मॉलिक्यूल को पहले से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर करे और काउंटर करके बाहर जा सके। सही, एग्जैक्टली, देयर एक्टिंग लाइक अ लिड, सही, अ लिड व्हिच इज इनविजिबल, सही, एक इनविजिबल लिड की तरह है वो। So if you want to open that lid, if you want to push that lid back and cross through, so you need more energy. So आपको ज़्यादा energy चाहिए। और अगर atmospheric pressure कम कर दें तो evaporation fast हो जाएगा। और पता है atmospheric pressure की वजह से boiling point में भी फर्क पड़ता है। हम जो कहते हैं ना कि water का boiling point 100 degree centigrade है, सही, ये हर वक्त नहीं होता 100 degree centigrade। ये सिर्फ atmospheric pressure के ऊपर जो हमारा sea level है उस वक्त आपके पास होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रेशर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम हीट करना, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देना तो फिर पानी 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा। प्रेशर कुकर में आप यही करते हो, खाना जब प्रेशर कुकर में पकाते हो तब क्या करते हो, आप अंदर बनने वाली स्टीम को बाहर नहीं निकलने देते, आप अंदर प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो। उससे क्या होता है, पानी फिर 100 पे बॉयल नहीं होता, फिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देते हो। क्या मॉलिक्यूल्स को 100 डिग्री वाली एनर्जी नहीं चाहिए, अब उनको 100 डिग्री से ज्यादा की एनर्जी चाहिए ताकि वो लिक्विड को, मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो ऊपर उनके लग रहा है उसको काउंटर कर सके। सही है ना बात। तो ये चीज आपकी कैलो की एक जरूरत होती है कि आप प्रेशर कुकर में, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ पल्सेस है, सही है, या कुछ मीट है, तो मीट को आप कोशिश करते हो भाई हम इसमें पका लें, उससे फायदा ये होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी जल्दी बॉयल होके एवेपोरेट होके हवा में नहीं चला जाएगा और पानी रहेगा उसके अंदर। ओके, उसको जितना पानी को टेम्परेचर चाहिए था, अगर पहले 100 चाहिए था तो अब 100 डिग्री में बॉयलिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब आपका बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होकर चला गया 110, 115 के, आपके लिक्विड, आपका जो फूड है उसको हीट मिलती रहेगी, जो आप नीचे से फ्लेम चलाए में उसको आप हीट सप्लाई करते रहेंगे। और जितने हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं पहाड़ों की तरफ अगर आप चले जाएं, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वहां पे चाय बनाने की मुश्किल हो जाता है, अक्सर पानी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है और पानी जल्दी बॉयल भी हो जाता है, 100 से पहले ही पानी बॉयल हो जाता है, तो उसमें चीजों को गर्म करना भी अक्सर मुश्किल होता है कि यार इसको चूल्हा जलाओ तो पानी इवेपोरेट हो जाता है जल्दी, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। माउंटेनियस एरियाज में और ऊपर अगर आप चले जाओ, तो अगर मैं इसका जवाब यहाँ पे लिखूं तो इसका जवाब कुछ ऐसा बनेगा, क्या भाई, डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस the rate of evaporation। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है because molecules of atmosphere now exert less force on the liquid, so molecules now need less energy to escape। इसको अगर एक और analogy से समझाऊं, मिसाल लो मैंने टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, सही है, और पासिंग मार्क्स रख दिए मैंने कि भाई पासिंग मार्क्स आपके पास 7 है, 7 से नीचे अगर किसी का स्कोर आया हो फिर
इसी तरह यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के लिए पासिंग मार्क है कि भाई ये अगर ज्यादा होगा तो लिक्विड को ज्यादा एनर्जी, लिक्विड के मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, ये बाहर नहीं निकलने देंगे मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं ये पासिंग अपने पासिंग मार्क्स कम कर दूं, मैं बोलूं यार चलो एक काम करो, क्योंकि जब मैंने 7 मार्क पासिंग रखे तो बहुत कम बच्चे इस बार के तौर पर पास हो पा रहे हैं, 7 से ऊपर का स्कोर करना मुश्किल था उनके लिए। लेकिन अगर मैं बोल दूं चलो छोड़ो यार एक काम करते हैं 5 मार्क्स पासिंग कर देते हैं, तो अब ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, जो 5 और 6 वाले हैं, जो 7 वाले हैं वो भी पास हो जाएंगे, बोलेंगे चलो शुक्र यार सर ने पासिंग मार्क्स कम करे हम पास हो। लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ भी यही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है उनके लिए, बाउंड्री बनी हुई है उनके लिए कि भाई इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पानी को बॉयल होने के लिए या मॉलिक्यूल को निकलने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए, 100 जूल से नीचे की एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको आने ही नहीं देगा, उसने रोक के रखा है ऊपर से लिक्विड को पुश करके रखा है, जब तक मॉलिक्यूल के पास 100 जूल की एनर्जी नहीं होगी वो इस काबिल नहीं हो सकता कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को के अगेंस्ट में पुश करता हुआ बाहर निकले। लेकिन अगर मैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं तो जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी बोलेंगे यार ये कम हो गया उस्ताद निकल लो यहाँ से बाहर, तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा मॉलिक्यूल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब जो थ्रेशोल्ड था जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी बाहर निकलने की वो कम हो गई, तो पहले इवेपोरेशन के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, थ्रेशोल्ड हाई था, अब थ्रेशोल्ड जो है वो रिड्यूस हो गया, अब आपके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी जिसके पास 80 जूल्स है अब वो भी इस काबिल है कि वह इवेपोरेट कर सकता है, वो बाहर जा सकता है, 100 वाला तो अब पूरा पूरा एलिजिबल है वो तो जाएगा ही जाएगा, अब 80 वाले के पास भी चांस है कि वो बाहर जा सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से एक बाउंड्री थ्रेशोल्ड क्रिएट करने का काम कर रहा है। टेस्ट तो होगा इंशाल्लाह, टेस्ट की फिक्र ना करो, टेस्ट तो लाजिम है, मेरा हर महीने का एक टेस्ट होता है और कंफर्म होता है। समझ में आ गई ये बात? अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। अरे हाई एटमॉस्फेयर पे कम इसलिए होता है, असल में हाई एटमॉस्फेयर पे ना टेम्परेचर ठंडा होता है तो मॉलिक्यूल्स इतने फास्ट मूव नहीं कर रहे होते हैं। उसको तो मैं मुझसे वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज करना मैं तुम्हें समझा दूँगा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज, बेटा वो तो गर्मी की वजह से बढ़ता है ना, सनलाइट वगैरह इस वजह से बढ़ता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं उसमें तुम्हें डिटेल दूंगा इसकी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अभी जो स्टडी है ना वो आती है प्रेशर के चैप्टर में, उसका बढ़ना उसका कम होना किस वजह से, उसमें सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। सही जनाब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सरफेस एरिया कर लेते हैं, ये जाएगा अगले वीक पे जा रहा है। चलो एक काम करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, से नेक्स्ट वीक बाकी सारे फैक्टर्स करवा के पास पेपर्स करवा दूंगा, अभी इतना ही रोक देते हैं इसको, जितना भी पढ़ाया उतना हजम कर लो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक के अंदर हम इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद द पास्ट पेपर्स एंड द टेम्परेचर चैप्टर ऑफ थर्मोमीटर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।